इसमें मोटा मोटी अभी हमारी टीम जो है एक बार पेश कर देगी और जब डिटेल्स होगा जो आपके साथ शेयर कर लेंगे। सर सिर्फ हमने कहना यह कि उसने सरेंडर किया, अरेस्ट नहीं, सरेंडर पुलिस के पास कोई सरेंडर नहीं होता। सरेंडर अगर कोर्ट में सरेंडर कर जाते तो सरेंडर वाली बात कोई होती, एक्यूज्ड है एक्यूज कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात कोई नहीं है। सरेंडर कोर्ट के सामने होता है, पुलिस के सामने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। हर एक्यूज जो हमारे पास आए और वो बोले हम सरेंडर कर गए, सरेंडर नहीं, सरेंडर होता तो कोर्ट में सरेंडर करता। कितनी एफआईआर दर्ज है इसके खिलाफ? फिलहाल एक एफआईआर जो हमारे पास दर्ज है जिसमें कि 124 से 153 ए और सेक्शन 505 आईपीसी है, उसमें इसका ही रोल है क्योंकि इसकी ही वीडियो है। लेकिन आपको बता दें कि जो तीन मुकदमा और इन्वेस्टिगेट हो रहा है राइट्स का, जो एसआईटी क्राइम ब्रांच कर रही है, देखिए जो सेक्शंस लगे हैं उन सेक्शंस में अगर कोई आदमी ऐसी भड़काऊ भाषण देता है जिससे कि आप रायट कॉज करते हैं या गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ के खिलाफ आप भड़काते हैं लोगों को, तो वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है। तो फर्दर एक बार हमें मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि इसके स्पीच का क्या रोल 13 तारीख और 15 तारीख के जामिया एनएफसी के राइट्स में है। सर जो वीडियोज मिले आपने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है? सबसिक्वेंट मैटर है वो। आसाम में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई है? मुकदमा और कहीं जगह दर्ज हुआ है, वहां से अफसर आए हैं। सर जब यहाँ पर इसके खिलाफ एफआईआर होगी तो क्या ये बिहार में अपना गेटअप चेंज करके रह रहा था? नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने एक प्रिलिमिनरी फोटोग्राफ आप लोगों के साथ शेयर किया, हमें नहीं लगता कोई गेटअप चेंज किया। इट इज टू प्रीमेच्योर टू स्टेट एनीथिंग ऑन दैट। आई हैव नॉट टॉक्ड टू हिम पर्सनली, एज यू नो इज इन जहानाबाद, द फोन सिग्नल्स आर वेरी वीक देयर, so somehow able to manage to talk to my officers. One he is produced before us, then we'll come back to you. background ये computer science में इसने IIT Bombay से कोई वो किया है, CS कर रखा है और फिलहाल JNU में कोई PhD कर रहे हैं। सर वेरी गुड वर्क, गुड अचीवमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस का आपने अरेस्ट किया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीचेज अभी आ रहे हैं जो काफी भड़काऊ टाइप के लग रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर। दैट इज बियॉन्ड माई ज्यूरिसडिक्शन राइट नाउ, आई एम फोकसिंग ऑन दिस केस। थैंक यू।